और अभी नए एसपी सिटी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अपनी पूरी मैटर हमारे तक समझाइए रखिए और लिखित रूप से पूरी तैयारी करके आइएगा, वर्क करके आइएगा, तो हम उसको मंत्री जी से तो तुरंत मिलवा देंगे आपको और मुख्यमंत्री जी से आपका अपॉइंटमेंट लगवाएंगे, तो जब उनका मिलेगा तब आपकी मुलाकात करवा दिया जाएगा। और बाकी विजय किरण आनंद स्कूली शिक्षा महानिदेशक जो हैं, इनका और शिक्षा मंत्री जी के तो मैं आपको एक ही दिन में मिलवा दूंगा, अपनी मौजूदगी में वार्ता हो जाएगी क्या कैसे मामला है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, यही चीज़ की तो मुलाकात, यही चर्चा पर चर्चा हुआ, उसको हमने आपको, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, उसको मैंने सोशल मीडिया पे डाला, आपने नोटिस किया, जिसको जो समझ में आया उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, जिसको नहीं समझ में उन्होंने आलोचनाएं की। लेकिन देखिए, आलोचना से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और उसी का प्रभाव है कि जैसे ही मेरी मैं फेसबुक आईडी मेरा लाइव ऑप्शन ही बंद कर दिया। कैसे बंद हुआ, क्या बंद हुआ, ये सवाल आपको पता होगा। मेरी फेसबुक आईडी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह का लाइव ऑप्शन पता नहीं क्रिएट ही नहीं होता, मतलब ऑप्शन पे क्लिक करो बंद, रिपोर्ट रिपोर्ट। तो उसकी वजह से मैं आपके बीच में लाइव आके कोई चर्चा पर चर्चा कर नहीं पाया। आधे साथी इसलिए नाराज हो गए कि गायब हो गए हैं हमको छोड़कर। तो आपका भाई रजत सिंह हमेशा आपके लिए दुख दर्द, इलाहाबाद के बच्चे जो हमसे मिलते हैं उनको पता है, उनके लिए हमेशा खड़ा रहा, लखनऊ में हुआ है, इलाहाबाद हुआ है, प्रदेशिक लेवल कोई भी मैटर होता है, अगर मेरे तक पहुंचती है और मैं उसके काबिल रहता हूं तो हमेशा खड़ा रहता हूं। और आज भी इन सारे प्रश्नों को मैं जवाब देने उपस्थित हुआ, और धरना जो नहीं चल रहा है उनको मैं खुले मंच से कह रहा हूं कि जाकर धरना करें, लड़े, कुछ होता है तो आपका भाई वकील के साथ जरूर पहुंचेगा, पूरा प्रयास करेगा आपको छुड़वाने का। लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसा फंसा दिया जाएगा कि मैं शायद दोबारा उस काबिल ना रह पाऊं। इतने दिन से मैं आपके लिए लड़ा, मेरे लिए धरना धरना और मुकदमों से मैं नहीं डरता। जिस हिसाब से मेरे ऊपर दबाव बना दिया गया, उस दबाव से मैं शांत हो गया हूं। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि कोई भी अभियान चले तो आप सब सहयोग करिए, लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये लड़ाई रजत सिंह की या किसी और की नहीं है, ये लड़ाई सबकी, एक एक बच्चों की है, 21 लाख बेरोजगारों की है। तो इससे भागिए मत। अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारे भरोसे इस लड़ाई को देखते हैं, तो सरकार ये इतनी तानाशाही उतर आई है कि छात्रों का एक एक हक छीना जा रहा है। आज आप बताइए प्रदेश में किसका धरना चल रहा है, कोई धरना चला रहा हो बताइए, किसने विधानसभा घेराव किया, चुनाव के बाद किसी ने विधानसभा का घेराव किया हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि चुनाव के बाद किसी की हिम्मत हुई हो विधानसभा घेराव किया है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, बहुत दबाव है, जितने नेता थे सबको आंतरिक रूप से दबा दिया गया है। और मैं आपसे भी कहना, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब जातिवाद, धर्मवाद, एरियावाद मत टूटिए मत। चाचा फूफा विधायक जिनको विधायक बनाए हो उनसे कहो अपने लेटर पैड में लिखें और योगी जी के पास प्रेषित करवाएं, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएं कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, चुनाव से पहले 17,000 का जुमला क्यों दिया गया, 17,000 का प्रूफ जो है प्रूफ बनाइए और उसको लगाइए, संकलन करिए कि ज्ञापन के साथ कि यही है, पूर्व शिक्षा मंत्री कह के गए थे उस पर ही कार्य करे विभाग, उस पे ही कार्य करे, वो भी भर्ती दे। यहां तो जिस हिसाब से मंत्री जी ने बयान दिया है वो बयान ऐसा है कि हमको नहीं लगता 2027 तक ये भर्ती दे पाएंगे, क्योंकि अगर इनको भर्ती देना होता तो विधानसभा में नेता विपक्ष विधायक को बोलते कि हाँ हम भर्ती देंगे, प्रोसेस है, कार्य है, 2-3 साल में तो हो जाता, जब किसी को देने का मूड होता है 2-3 साल में
तो वो आश्वासन के रूप में कुछ ऐसा प्रस्तुत करता है जो विपक्ष का मुद्दा शांत हो जाए वहीं पे, या विधानसभा में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए बोल भी नहीं देने का मूड भी रहता तो वो बोल देता है कि हाँ भर्ती देंगे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम भर्ती देंगे ही नहीं, और जो शिक्षा मित्र थे उनकी भी संख्या इन्होंने जोड़ दिया। अरे अगर तुमने शिक्षा मित्रों की सीटों को मानते हो, मैं खुले मन से मानती शिक्षा मंत्री को बोलना चाहता हूं, अगर आप मानते हो कि शिक्षा मित्र अध्यापक की श्रेणी में है तो उनको आप पूरा 45,000 का भुगतान करिए, मेरा सपोर्ट है आपको। लेकिन आप अगर उनको 10,000 रुपए देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निकाला गया है, तो आप दो तरफ का पासा गेम खेलना बंद करिए कि एक तरफ शिक्षा मित्रों को तनख्वाह भी आप 10,000 रुपए पकड़ा रहे हो, दूसरा विधानसभा में आप बता रहे हो कि शिक्षा मित्रों की सीटें जुड़ेंगी, तो ये आप दो तरफा का गेम खेलना बंद करिए। कुछ लोग का कमेंट आया बिहार, ये भैया बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। अगर देखना है बिहार में तो बिहार में जाके धरना दो, और यहां जाके इलाहाबाद में एक बार लखनऊ में चले जाओ धरना दे दो, दोनों जगह का धरना देने के बाद आके हमसे मिलो, तब बताएंगे कि किसका कहां पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। बिहार में मिलीजुली सरकार है, वहां पर एक छात्र को लाठी पीटने के बाद वहां के ऊपर प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हुई, उसको हटा दिया गया, ये है वहां की सरकार। यहां तो प्रशासन के लोग हमको मुकदमा लेकर 2 दिन जेल में बंद करने के बाद प्रमोशन हो जाएगा। तो बिहार से तुलना उत्तर प्रदेश की मत करिए, वहां मिलीजुली सरकार है, वहां पर छात्रों के ऊपर जब जब लाठीचार्ज होता है तो वहां की सरकार एक्शन लेती है प्रशासन पर, यहां की सरकार एक्शन नहीं लेगी और उल्टा फंसाने के लिए प्रशासन को प्रेरित कर देगी। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहा है कि भैया कुछ होना चाहिए या अब आगे की क्या रणनीति है और क्या होगा। देखिए लाइव हम आते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर आते हैं, फर्जी लाइव आना होता हम डेली लाइव आ जाएं, लेकिन जब मेरे कुछ बात होते कुछ संवाद करना होता कुछ बात होती तो तभी हमको लाइव आना होता, तभी हम आपसे चर्चा पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं आप नेता अगर ऐसी बात करेंगे तो कैसे होगा। भाई नेता हैं तो उससे पहले एक मनुष्य भी हैं और एक माँ बाप के लड़के भी हैं, और डीएलएड के नेता हैं, बेसिक के नेता हैं, यहाँ जब बेसिक के नेता की बात छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े सांसद विधायक पूर्व मंत्री ठंडे होके बैठे हैं, बड़े बड़े पार्टी के नेता हों चाहे पार्टी के अध्यक्ष हों, सब लोग शांति से बैठे हैं, और कुछ जो सरकार भक्त हैं उनको तो ये लगता है कि हमारी आलोचना करके उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो इनकी भूल है। हमारा कोई ना हित हुआ है ना कोई कर पाएगा, ये पहले सब सब चीज़ें आप जान लें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नेतागिरी निकल गई या हमारा हम डर गए तो ये आपकी भूल है। हम बेरोजगारी में मरेंगे तो आप भी बेरोजगारी में मरेंगे, हम परेशान होंगे तो आप भी परेशान होंगे। आप किसी प्रधानमंत्री के घर के लड़के हो, अंबानी के घर के लड़के नहीं हो, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के ही घर के लड़के होंगे जैसे हम और आप हैं। आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के घर के होंगे, कोई सांसद के घर के नहीं हो, नहीं तो इतने बड़े घर के होते तो यहाँ डीएलएड बीटीसी करके ना बैठे होते हो, यहाँ पे कमेंट कमेंट नहीं खेलते। यहाँ कमेंट कमेंट खेल रहे हो सबसे बड़े बेरोजगार, सबसे बड़े गरीब, सबसे मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते होगे तब यहाँ जुड़े होगे। यहाँ हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई अंबानी का घर का नहीं है, सब बेचारे परेशान हैं, लाचार हैं, बेरोजगारी त्रस्त हैं, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई बेचारा कैसे जी रहा है, वो जुड़े हुए लोग हैं हमसे, उनको दर्द है भर्ती ना आने का, और वही दर्द हमको है कि भर्ती ना ला पाने का। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सरकार हटा देना चाहिए, जब सरकार हटाने का समय था तब आप जातिवाद धर्मवाद पार्टीवाद में टूट गए, आज आप सरकार हटा रहे हैं जब 2027 जबकि चलने वाली है।
और काफी साथी का कमेंट है, काफी लोग बेचारे लिख रहे हैं कि चंदा कब देना होगा। तो आपके चंदे की जरूरत नहीं है मेरे भाई, और किसी के चंदा देने से ना हम जीवन जी पाएंगे आगे की, न किसी चंदे से हमारा कोई काम होगा। जीवन जीने के लिए एक निश्चित आय की जरूरत होती है, एक इनकम का स्रोत होना चाहिए। और मैंने हमेशा ईमानदारी से कार्य किया, इसी वजह से मैं काफी लोगों का दुश्मन बन गया, काफी लोगों के लिए नाराजगी का प्रतीत हो गया। सेमेस्टर के टाइम कॉलेजों से दुश्मनी ले लिया, किसी किसे अवैध पैसा लेते थे। तो आज ईमानदारी जीवन का सिला ये मिल रहा है कि मैं काफी लोगों से नाराजगी व्यक्त कर लिया हूं। उनको ये लगता है कि मेरी वजह से वो कमा खा नहीं पा रहे हैं, मेरी वजह से उनकी राजनीति नहीं चमक पा रही है, मेरी वजह से उनका बहुत दिक्कत हो रही है। आज वही वजह है कि मैं उनका विरोधी बनने की वजह से आप जैसे फर्जी आईडी मेरे ऊपर कमेंट और मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाते हैं, और फेसबुक पे फर्जी फर्जी आईडियों से मेरे प्रति गंदा गंदा संदेश फैलाते हैं। यही वजह है कि मेरे ईमानदारी की वजह से, अगर आज मैं बेईमान होता तो मेरे साथ तुम्हारे जैसे बेईमान लोग भी मेरे साथ होते और आज तुम ये कमेंट नहीं करते, क्योंकि आज ये मेरी वजह से आपको कहीं दिक्कत हुई है। तुमको लगा होगा कि मेरा साथ नहीं दे रहा है, तभी आप कमेंट फर्जी आईडी कर रहे हैं। अगर इतने ही प्रशिक्षु हितैषी हो, इतने ही बड़े प्रशिक्षु हितैषी हो, तो जाओ धरना रखो लखनऊ में। मैं खुले मन से आपसे सबसे कह रहा हूं कि मैं उनको छुड़वाने के लिए जाऊंगा, जितना पैसा लगेगा, जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, आपका भाई करेगा आपको छुड़वाने के लिए। लेकिन ये फर्जी पे आईडी पे आ करके गंदे गंदे कमेंट करना, चंदा चोर, राजनीति करता है, पार्टी का एजेंट होगा, ये होगा वो होगा, ये करके बच्चों को गुमराह करना बंद कर दो, क्योंकि ये सबका समय खत्म हो गया है। ये समय एकजुट होकर के लड़ने का है। ये समय 4 साल जो बीत गए उस समय से अब 4 साल आगे कहना बीते उसको हटाने का है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा हित करके आप कुछ कर लोगे, तो आपको पता होगा कि फर्जी आईडी से पीछे जो भी व्यक्ति हो वो मेरा हित कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। तो ये गंदा काम करना बंद करो। अगर लड़ाई सरकार से लड़नी है, साथ में आओ, बढ़ चढ़ के लड़ो। मैं आपको स्थान दे रहा हूं, बढ़ चढ़ के कुर्सी दे रहा हूं, जाओ लड़ो। और वादा करता हूं कि आपको मैं हर जगह मिलूंगा। बस मैं धरने का मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा या न कर पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव हो सपोर्ट करने पर। मैं जमीनी स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जितनी मदद होगी मैं करूंगा और आगे भी करूंगा। मैं बैठा नहीं हूं। आज विधानसभा पे जो आप सब वीडियो की कटिंग लगा रहे हो कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, उसका मेहनत भी देख लिया हो किसने किया होगा। लखनऊ गया, सारे लोगों से मिला, प्रशासन से मिला, शासन तक के अधिकारियों से मिला, नेता विपक्ष के विधायकों से मिला कि ये मुद्दा उठाइए, जैसे ही सदन चालू हो तो ये मुद्दा होना चाहिए कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, इसका सवाल जवाब होना चाहिए। आप घर से निकल करके वहां ज्ञापन देने नहीं गए थे, ये बात रखने नहीं गए थे नेता प्रतिपक्ष लोगों के, नेता विपक्ष विपक्षी पार्टी के विधायकों से कि भर्ती का मुद्दा उठाओ। लखनऊ हम ही गए थे, हम ही ने उनके कान में डाला कि आप उसको मुद्दा उठाइए। आज वही मुद्दा उठा है। तो मंत्री जी का बयान मिला है, अब इसी मंत्री जी के बयान को बदलवाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि ये बयान इनका बदलने के लिए आपके अंदर ताकत है और आप इसको बदल सकते हैं। यही सतीश द्विवेदी पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे जो एकदम अपने अड़ियल रवैये और विवादित बयानों की वजह से जाने जाते थे। कहते थे कि बच्चों का खेल